नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राधा रानी फैमिली ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह के 9:30 बजे से। तो वैसे तो सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, बस मुझे कपड़े धोने थे और जो ये हमारी रसोई है इसको साफ़ करनी थी। मैं 3 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पर गई थी अपनी भांजी के बर्थडे में। तो जब वहाँ से आई तो मेरी रसोई सारी गंदी हो रही थी। मैंने सोचा चलो आज इसको साफ़ कर लेते हैं। भाभी का टाइम नहीं लगता है साफ़ करने का, वो सुबह ही चली जाती है अपने काम पर और फिर शाम को आती है, थक जाती है। तो ऐसे में रसोई साफ़ करना भी थोड़ा मुश्किल काम ही होता है, पूरी रसोई साफ़ करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ, भाभी को अभी इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं देते हैं। जब तक मैं हूँ तब तक ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद कर लूँगी, और जब मेरी शादी हो जाएगी तब तो भाभी को ही करना है सारा काम। इसलिए मैं ही बोल देती हूँ कि ज़्यादा कुछ ना करें, बस अपना जो अपना काम है सिलाई का वो कर लें। मेरे जाने के बाद तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं को ही लेनी है। तो चलिए हम अपनी रसोई साफ़ कर लेते हैं। वैसे साफ़ तो मैंने कर दिया है, बस इस पर जो हमारे बर्तन हैं इनको लगा देती हूँ। और फिर ऊपरले स्लेब की भी मुझे सफाई करनी है। उसके बाद मेरे जो कपड़े पड़े हुए हैं मशीन में उनको पानी में निकाल कर तार पर डाल दूँगी, सूख जाएंगे। रसोई का काम मेरा आधा ख़त्म हो गया है, बस एक स्लेब बचा है मेरा साफ़ करने के लिए, उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। वहाँ पर भी काफ़ी गंदा हो चुका है, सामान रखा हुआ था, जैसे उथल पुथल मच रही है पूरी रसोई में, कुछ भी ठीक नहीं रहता। कहीं को चली जाऊँ 1-2 दिन के लिए, और इसी बीच मैंने कपड़े भी धोकर तार पर डाल दिए है। देखिए मैंने रसोई साफ़ कर दी है अपनी, सही से सारे डिब्बे लगा दिए। काफ़ी गंदी हो रही थी ना, पन्नी बहुत चिकनी हो रही थी, सामान रखा रहता है तो इस वजह से चिकनी हो जाती है। तो ये तो मैंने साफ़ कर दिया, ऊपर का स्लेब भी और इधर ये भी, और आधे मेरे कपड़े धुल गए हैं। देखिए मैंने तार पर डाल दिया है और आधे डाल रखे हैं मैंने, और ये भी थोड़ी देर में धुल जाएंगे। इनको भी पानी में निकाल कर डाल दूँगी तार पर, जब ये सूख जाएंगे सूखे सूखे उतार लूँगी और ये वाले डाल दूँगी। और अभी तक मम्मी आई नहीं है, टीवी हमारा ऐसे ही चल रहा है ये देखिए। और ये कपड़े ना इजी के हैं, तो भाभी बोल के गई थी इनको मत धोना, ये मैं अपने आप आके धो दूँगी इजी में। मैंने बोला भी था मैं धो दूँगी, तो बोली नहीं वैसे ही काम बहुत होता है वही कर लेना। और ये कपड़े मैं आके धो दूँगी जब शाम को आऊँगी। तो क्या शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। इधर मम्मी कली भर रही है अपनी पीने के लिए, ये देखिए। और आज ना मम्मी ने अपना टेस्ट कराया था, खून टेस्ट, तो उसमें ना बुखार टाइफाइड बताया है, इन्फेक्शन बताया है। तो ये बोतल दी है पीने के लिए और इसमें दवाइयाँ है सुबह शाम और दोपहर। तो ये बोतल तो बताई है, तो ढक्कन सुबह शाम देनी, इन्फेक्शन बताया गया है। अब जब मार फोड़ द बर्तन सारे, चलो चलो आटा बनाओगे, चलो उसमें खाइए बैठ के। दूध चंपी कर दो, चंपी कर दो, चंपी कर दो, चंपी कर दो। देख कितना आराम से करवा रहा हूँ, चंपी कर दो, चंपी कर दो, चंपी कर दो। टंकी कौन सी है सुबह की?
ये रोटी खा कर लो मैं, चलो मत मत चलो या दिन में दो बार लेनी सीसी की दवा, चाहे सुबह को ले ला या शाम को ले ला। ला तेरी छुट्टी बनाऊंगी, ला ला छुट्टी बना दू तेरी। ये है तेरी सुबह की लिख रहा होगा इसमें तो, और तेरी चौथी बना दू, तेरी चौथी घूम दू, तेरी चौथी घूम दू, तेरी चौथी घूम दू। कमा मोरे मां का खा रहे में? हम खा रहे जी जी खा रहे हैं हम। ये निकाल, ये बोर्ड भी आधी कटोरी है, 500 की तो दवा है ये आधी कटोरी बोर्ड दी है, इन्हें इन्हें पोपट ने कटोरी बोर्ड दी, ये पोपट लाल हो रहा है पप्पू। ओ पप्पू, ओए ओए पप्पू, देख 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 देख, चार होगी गोल्ड होगी, मैं तो ले ली सारो, मत खेल लिया क्या अपने गले में बजा है अपनी रोने के लिए निकल आया ले लो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है अपने घर का नुको पे तो मैं कह दूँ बाप चिंजी खाएगा। ओ इसका बजा कर देखेगा, बजाय नहीं बजती है तला तो चक्कर फेल लग रहा है, अभी बच रहा है खाट कर ले, वहां इंटी बच रही ना, नहीं ऐसा प्रेस नहीं है इसका, तो बरामदे में ही तो है, मैं तो यहाँ सारे में हुए हैं, अब वहां इंटी इंटी है, अगर गुटलियों भी चलेगा ना तो गुड्डे छिल जाएंगे इसके पैर। जब लिटा हुई रखा है ऐसा, बचाओ बचा लो, देखिए इस पेड़ पर ना ये फूल खिल गया है येलो कलर का, कितना प्यारा लग रहा है, रात का टाइम है आपको थोड़े दिख नहीं रहे होंगे पेड़ पौधे क्योंकि मैं रात को आई हूँ छत पर अपनी, तो ये पौधा पता नहीं कौन सा आया है, ये पौधा नाम नहीं मुझे पता, और इस पर येलो कलर का ये फूल खिला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा, थोड़ी थोड़ी उसकी बूंदे भी गिरी हुई है इस पर क्योंकि पूरा दिन हो गया आज, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो देखिए यहाँ पर किच किच पिच किस तरह से हो रहा है, रात का टाइम है दिख नहीं रहा कुछ भी। और मैं आई थी छत पर ताला लगाने के लिए अपने ऊपर कमरे का, तो ये हमारा जो कमरा है ऊपर इस पर ताला लगाने के लिए आई थी, ये रहा, तो मैंने सोचा इसी बहाने मैं गर्म चादर भी ले लूँगी, रात को ठंड लगती है अब जा, तो मैं तो देखिए मैंने ये गर्म चादर ले ली है रात को उठने के लिए, और जैसे कि आज पूरा दिन हो गया ना बारिश हो, तो टीन की वजह से ना टपका लगना शुरू हो गया था, जैसे पूरा दिन आज बारिश हुई है किनमिन किनमिन सी रही, तो देखिए हमारा संदूक भी गिल्ला हो गया है पानी से, यहीं इस पर पानी गिरा है ना, टपका लगाया है टीन पर, टीन की वजह से तो ये सारा गिल्ला हो गया, और इस पर रखी हुई थी ये रिजाई जो लिया आप इसके ऊपर रखा हुआ था ना, ये भी सारा गिल्ला हो गया। अब मैं सोच रही हूँ धूप निकलेगी
तो मैं ये लिहाफ धूप में डाल दूंगी और ये कवर उतार कर इसको धो के इसको धूप में सुखा दूंगी। ये देखिए काफ़ी सारा गिल्ला हो गया है और हमारा लिहाफ भी गिल्ला हो गया है। शुक्र है जो कपड़े इसमें रखे हुए थे संदूक में हमारे और लिहाफ रखे हैं, अंदर पानी नहीं गया, वरना सारे निकाल कर हमें दोबारा सुखाने पड़ते और धूप का अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कल भी बहुत अच्छी बारिश हुई थी। एक डेढ़ घंटा तो लगातार बारिश हो ही गई थी। तो चलिए हम चलते हैं नीचे, लियाब हमने ले लिया है और नीचे देखिए कितना गिल्ला हो रहा है। और जी इस तरफ हमारे सदाबहार के पेड़ जम गए थे ना, और ये तुलसा माता है तो ये देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है। जब मैंने आपको दिखाया था तब ये थोड़ी छोटे छोटे थे, अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। दिन में दिखाऊंगी आपको अपने सारे पेड़ पौधे। और मुझे तो इसका बहुत खुशी हो रही है, इस पेड़ पर हमारा फूल खिल गया, वो भी येलो कलर का। आज पता चला है मुझे कि इस पर येलो कलर के फूल खिलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक कली ये रही और शायद इधर आ भी रही होगी, सुबह को देखूंगी, अब तो रात हो रही है। और इधर मम्मी ने ये वाला पौधा लगाया है इन दोनों गमलों में, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं ये। जब बड़े हो जाएंगे ना तब देखना कितने प्यारे लगेंगे। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और मौसम का हाल अभी देख सकते हैं आप, एक भी तारा नहीं है, बारिश रात को भी आएगी।